हरे कृष्ण दोस्तों, वेलकम बैक टू नदर ब्लॉग। तो आज हमारा 75 हार्ट चैलेंज का डे 57 या 58 के आसपास है। सुबह के हो रहे हैं 5:30, 5:30 होने वाले हैं। तो हम हो चुके हैं जिम के लिए रेडी। अपना सुबह उठते ही 1 लीटर पी लिए पानी, उसके बाद अपना हनुमान चालीसा पढ़ के पूजा वूजा करके अभी एकदम रेडी होकर निकल रहे हैं जिम के लिए। आज है हमारा लेग डे, लेग वर्कआउट होगा और वेडनेसडे आज। तो अभी निकलते हैं जिम के लिए। Of the sun, to dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules, my life destroyed. तो भाई वर्कआउट कंप्लीट करके आ चुके हैं। अभी यूजुअली का एक नया टास्क हमारा शुरू हुआ है, जिम के बाद आके अपना पूरा सब्जियों को देखना। इनके बगैर मतलब सुबह उठ के ना देखो ना तो एकदम ऐसा रहता है जैसे कुछ काम छूट गया हो। कैसी चल रही है, क्या ग्रोथ है, जब अपने हाथों से जब लगाता है ना बंदा तो डेली डेली उनकी ग्रोथ देख के बहुत ही अच्छा सा लगता है। तो भाई इधर गोभी लगा दी पूरी, ये वाली नई क्यारी बन गई, ये प्याज हो गई, ये गोभी, फिर बीच में टमाटर, बैंगन, फिर वहाँ पे शलगम, मूली, इधर पालक, मेथी, धनिया सब हो गया। मतलब एकदम बढ़िया चल रही है सारी सब्जी। और अब जाके पार्क में भी देखना है कि पार्क का क्या सीन चल रहा है। और भाई कल मैंने तुम्हें ये एक फूल दिखाया था ना अपना, जो रेयर वाला, देखो उसका लाइव एग्जांपल। उसके जो कल फूल आए थे उनका कलर देखो चेंज हो गया था धूप लगने के बाद, वो हो गए पिंक। ये देखो ये दो, ये वाला और ये वाले, कल वाले व्लॉग में वाइट थे और फिर दोपहर को इन पर धूप लगी तो ये हो गए पिंक। अब आज ये जैसे नए वाइट आ रहे हैं, कल तक ये भी पिंक हो जाएंगे। तो चलो भाई एक बार पार्क का और दौरा कर लेते हैं। यार ये गमले यहाँ से उठा के किसी ने यहाँ रख दिए, अब पता नहीं क्यों रखे हैं, ये मुझे भी नहीं पता, मैंने भी जस्ट अभी देखे हैं। और ये देखो भाई जो मैं 3-4 दिन से फूल दिखा रहा हूँ, देख लो अब तक चले जा रहा है भाई। यही इसकी खासियत है भाई, कम से कम एक फूल एक हफ्ते चलेगा। एकदम जैसे फूल आता स्लो है ना, तो आने के बाद वो मतलब मुरझाएगा भी स्लो, एकदम काफ़ी दिन तक वो ऐसे ही रहेगा खिला हुआ। मस्त लग रहा है एकदम। देखो इसमें एक लाइट कलर भी आता है, वो ये वाला है, ये गलती से ये आ गया क्योंकि पहले पता नहीं लगता कि कैसा फूल आएगा। बट लास्ट ईयर जब इसमें आया था तो लाइट कलर का था, लेकिन ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है डार्क कलर में। और ये वाला है जो चंपा का, ये भी सेम ही कलर है हमारा, देखो सिमिलर। ये वाला देखो और वो वाला देखो, है ना सेम कलर। और यहाँ पर बुगनवेलिया में भी आने लग गए, ये देखो भाई। तो मतलब काफ़ी अच्छे चल रहे हैं सारे प्लांट्स। हिबिस्कस में भी फाइनली दोबारा से आने लग गए, क्योंकि जो कीड़ा लगा था उसकी मैंने डाल दी थी दवाई, तो अब फिर से ये फूल आने लग गए इनमें बढ़िया। ये दो नए पेड़ लगाए थे, एक ये वाला, ये वाला, ये भी सही चल रहा है, और एक ये वाला, ये भी सही चल रहा है। और दाना पानी, दाना देख लो ख़त्म, पूरा ही ख़त्म हो गया भाई। इसको करके इसमें नया दाना डालते हैं, इसमें पानी भी लेके आते हैं नया, और देख लेते हैं। पिंक हिबिस्कस आने वाला है एक नया, ये आ चुका है, मतलब कल खिला होगा, आज तो गया है इसका टाइम। और एक ये वाला एक्जोरा, ये भी बड़ा सुंदर फूल है भाई। इसमें ये जो है ना, ये सारे खिलते देंगे, इतना बड़ा हो जाएगा, ये डेली एक दो नए आएंगे तो इसका साइज देखो बढ़ता जाएगा। जैसे ये बर्ड्स है ना, ये खिलते रहेंगे और बड़ा होता रहेगा, एकदम मस्त लगता है बहुत ही। ओ ये वाला बुगनवेलिया देखो, जो मैंने यहाँ पे ये बनाया था फाइनली, नीचे से लेके आया था मैं इसको, ये लेके यहाँ से जाते हुए, यहाँ से जाते हुए ऊपर जाके ये पूरा खिला दिया। अब यहाँ पूरे पे फूल आएंगे, ऐसा लगेगा इस वाले पेड़ में से ये निकल रहे हैं वाइट फूल। तो भाई पहुँच चुके हैं मेट्रो स्टेशन। यार काफ़ी लेट हो गया आज तो, मतलब सुबह सुबह जैसे सब्जी वब्जी देखने चले जाता हूँ, ये एक्स्ट्रा काम बढ़ गया, तो इसकी वजह से थोड़ा लेट हो जाता हूँ। पार्क में भी जाओ, सब्जी में भी जाओ, फिर वहाँ कुछ काम दिख गया तो उसमें लग जाता हूँ, तो 5-10 मिनट वहाँ चले जाते हैं। तो लेट हो गया आज काफ़ी ज़्यादा, पर चलो चलते हैं। अब 32:81 तो साथियों हम पहुंच चुके हैं घर, टाइम हो चुका है एग्जैक्ट 9 बज गया यार।
मतलब कितना एकदम टाइम पे निकलता हूँ पता नहीं, फिर भी आधा एक घंटा से लेट सा शाम को ज्यादा लग जाता है, सुबह के कंपैरिजन में आधा घंटा 40 मिनट ज्यादा लग जाता है। 9 बजे वर्कआउट शुरू करना होता था पहले, अब तो 9 आते आते बज जाते हैं, 9:15 बजे अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे 15 मिनट में चेंज करके।